अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फिज़ा और ये है खाना पकाना। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से, और रमज़ान मुबारक के हवाले से ही इफ़ार के लिए मैं एक रेसिपी लाई हूँ। जब ये इफ़ार में बनती है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाई है, तो देखते हैं ये कैसे बनी। सबसे पहले मैंने 2 कप बॉयल किए हुए चने लिए हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने चनों का पानी भी इसमें शामिल किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके साथ 2 बॉयल किए हुए आलू, तकरीबन 1 कप बॉयल किए हुए आलू जो थे वो मैंने लिए हैं और उनको क्यूब्स में काट लिया है। और उसके साथ 2 अदद टमाटर लिए हैं जिनको आपने काट लेना है, ना बहुत ज़्यादा बारीक और ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना है आपने। इसके साथ 1 बड़ा प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। आप स्लाइस में काटें या रिंग्स में, या आपकी मर्ज़ी है, बड़ा बड़ा प्याज जो है चाट में अच्छा लगता है। इसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं, नमक चाहिएगा हसबे जायका, और इसके साथ चाट मसाला 1/2 चम्मच या आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से। और जो चीज़ इसमें स्पेशल चाहनी थी वो है ऑरेंज जूस, जी फ्रेश ऑरेंज जूस आप इसमें 1/2 कप ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा, आपको ये चाट बहुत पसंद आएगी। और इसके साथ मैंने 2 लेमन का जो जूस था वो ऐड किया है, और अब हम इसे करेंगे मिक्स। लेमन का और ऑरेंज का जो फ्लेवर, जो इसका, इन दोनों का कम्बिनेशन है, वो इस चाट को बहुत मज़े का फ्लेवर देगा, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की खट्टी सी चाट भी बनेगी, खट्टी मीठी सी। तो ये देखिए चाट जो है वो मिक्स हो चुकी है, मिनटों में हमारी चाट तैयार है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस मेरे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ इस चाट को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी।